दमोह जिले के पथरिया विधानसभा के अंतर्गत बरधारी ग्राम के रहने वाले ये हैं आशुतोष चौरसिया। इनका आरोप है कि वैक्सीन लगने के बाद इनकी आंखों में परेशानी हो गई। इनको अनेक तरह की परेशानियों का सामना वैक्सीन लगवाने के बाद करना पड़ रहा है। इन्होंने कलेक्टर के नाम पर एक ज्ञापन दे करके, आवेदन दे करके न्याय की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि इनको जब आँख में परेशानी हुई तो उन्होंने चित्रकूट से आने वाले डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि है वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। इस बुज़ुर्ग का आरोप है कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद उनको इस तरह की परेशानी हुई है। हालांकि यह विरला ही मामला है जिसमें बुज़ुर्ग की आँखों में परेशानी वैक्सीन की वजह से हुई है। दरअसल देश में 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है और कई करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, दूसरा डोज भी लग चुका है। ऐसे में इस बुज़ुर्ग को यह परेशानी होना निश्चित ही जांच का विषय तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी? दिक्कत ये है भैया, हम हैं ग्राम पंचायत बरधारी, तहसील पथरिया, विधानसभा क्षेत्र पथरिया। मेरा नाम है आशुतोष चौरसिया। मैं वैक्सीन लगी है, पहले डोज में कुछ नहीं हुआ, दूसरा डोज जब हमें लगा है उसके पश्चात मेरी बाईं आँख चली गई है, मुंह में छाले हो गए हैं, पेट फूलना, हाथ पाँव में जकड़न, एकदम सिर में दर्द, ये सब बीमारी हमें घेरे हुए हैं। आज हम जनसुनवाई के माध्यम से, जनसुनवाई में ये विज्ञापन दे के आए हैं हमारा इलाज कराया जाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर आप दूसरा डोज नहीं लगवाओगे तो आपके सरकारी कार्यक्रम बंद करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप डोज लगवाइए, सरकारी काम, लेन देन आपका सब बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि हमारा इलाज करवाया जाए। कैसे पता चला कि वैक्सीन के कारण दिक्कत है आपको? ये हमें ऐसे पता चला कि हमने समझा कि इसमें मोतियाबिंद हो गया है, तो हम गड़ाकोटा गए अभी 10 तारीख को। वहाँ से आते हैं चित्रकूट से डॉक्टर, तो डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने बोला भैया आपका मोतियाबिंद है ही नहीं, मोतियाबिंद नहीं है। तो हमने बोले क्या है, बोले आपको वैक्सीन वगैरह लगी थी, कोई दवाई ववाई खाई? हमने हाँ वैक्सीन लगी थी। ये कब से हुआ? हमने बताया 2 माह के बाद ये प्रॉब्लम हमें धीरे धीरे करके हुई। अब ज़्यादातर बिल्कुल आँख बोल चुकी है हमारी। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन से, कलेक्टर महोदय से, कि हमारा ऑपरेशन करवाया जाए सरकारी खर्च पर, या दवाई करवाई जाए भोपाल में करवाई जाए एम्स में, अन्यथा नागपुर जाने का हो तो नागपुर भेजें, क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इससे कोई हमारी मृत्यु होती है तो इसका सरकार वहन करेगी, उसमें सरकार जिम्मेदार रहेगी।